Hello students and welcome back to the new session of Life Process. And in this session we will discuss about human digestive system. So human digestive system, as we know that human have a well defined digestive system, which mainly consists of two important components. The first one is alimentary canal, and the next one is accessory glands. These are very important part of digestive system. Accessory glands. Clear? So what is alimentary canal? Alimentary canal is a long coil tube which starts from the mouth part. This is mouth part mainly, and ends at anus. So this is the last part of alimentary canal. So it starts from mouth, ends at anus. So from mouth to anus, this long coil tube is of about 9 to 12 meters long and coil tube. Because you are seeing in this diagram, there are so much coiling in the intestinal regions. Okay, the long end coil tube of about 9 to 12 meters, such a great length of alimentary canal, but it is adjusted in the upper part of the body, means thoracic and abdominal cavities. Itne hi portion mein aapka alimentary canal hai, and 9 to 12 meters, such a long length. So ye adjustment hota hai because of the coiling. So these are coiled at certain place. Ye main already mention kar bhi chuka hu, coiled at certain places. So in alimentary canal, the anterior part, jo sabse pehla part jahan se food ki entry hoti hai, human nutrition mein, human digestion mein bhi hum unhi 5 steps ko follow karenge jo hum logon ne इससे प्रीवियस वीडियो में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखा था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. तो जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है एलिमेंट्री कैनाल के, पहले उस बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और सॉरी द एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ. तो माउथ द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जहां से फूड की एंट्री होगी उस पोर्शन को माउथ बोलेंगे. इट इज बाउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स. अगर माउथ के एंड बिल्कुल बाउंड्रीज की बात करें, माउथ के बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो यहां अपर एंड लोअर लिप्स प्रोजेक्टेड होता है. तो दे आर बाउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स, अपर एंड लोअर लिप्स. एंड नंबर टू, अगर माउथ को ओपन करो आप, तो द स्पेस और द माउथ लीड्स इन टू द स्पेस कॉल्ड ओरल कैविटी और बथल कैविटी. तो माउथ लीड्स इन टू बकल कैविटी. आपको पता है इसको बकल कैविटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज द चीक्स, अगर इसके मैं साइंटिफिक नेम की बात करूं, चीक्स इज इंग्लिश वर्ड, इट्स अ बकल बायोलॉजिकली. तो माउथ लीड्स इनटू बकल कैविटी. और अगर बकल कैविटी को अगर आप ऑब्जर्व करो, बकल कैविटी मतलब अपने माउथ ओपनिंग को आप ऑब्जर्व करो, तो सबसे पहला जो पोर्शन आपको दिखता है माउथ में, वो है आपका टीथ पार्ट. ओके, तो माउथ इंक्लूड्स टीथ, एंड टीथ में भी जो कंपोनेंट आपको समझने हैं, जो स्ट्रक्चर समझने हैं फॉर क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टीथ में थ्री टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन इज, अगर मैं ह्यूमन टीथ की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज दैट ह्यूमन टीथ आर डाइफीडोंट. डाइफीडोंट का मतलब क्या हुआ? दैट ह्यूमंस हैव टू सेट्स ऑफ टीथ. दो सेट्स हैं हमारे पास, एक डेसिडुअस जिसको मिल्की टूथ बोलते हैं, डेसिडुअस और मिल्की टीथ.
And the second one is permanent teeth. Okay? So permanent teeth and deciduous teeth. So two sets of teeth. क्या आप लोग जानते हो जब आप बोर होते हो तो सबसे पहला सेट ऑफ टीथ आता है वो डेसिडुअस आता है मिल्की टीथ विच आर 20 इन नंबर. अगर मैक्सिमम मैं सभी टीथ को काउंट करके बता रहा हूं और परमानेंट दे आर 32 इन नंबर. ओके सेकेंड टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है टीथ के लिए वो है हेट्रोडोंट. हेट्रोडोंट में भी आपको एक चीज समझना है कि ह्यूमंस हैव फोर टाइप्स ऑफ टीथ. हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ टीथ है. द एंटीरियर वन इज इंसीजर्स, देन द पॉइंटेड वन इज केनाइन. ओके तो हेट्रोडोंट में द डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ. ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स. ओके द फर्स्ट वन इज इंसीजर्स, नेक्स्ट canine, the third one is premolar, and the fourth one is molars. Fourth one, molars. Again, ये दो टर्म आपको समझ में आ गए होंगे. Diphyodont, two sets, hetero मतलब four different types of teeth. And the third terminology is very important. The third terminology. जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है थैकोडोंट. एंड थैकोडोंट सिंपली मींस कि ऑल द टीथ आर एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट्स, दे आर फिक्स्ड टू द जॉ सॉकेट्स. ओके तो दे आर एम्बेडेड इन जॉ सॉकेट्स. ये थ्री टर्मिनोलॉजीज हैं टीथ की. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब मैं स्ट्रक्चर की बात करूं. स्ट्रक्चर अगर किसी टूथ का हम ऑब्जर्व करें, क्योंकि कई बार ये हुआ है कि सीबीएसई में स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछा जाता है, बट एटलीस्ट क्लास 10th में आपको स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पता होना चाहिए. तो टूथ के स्ट्रक्चर में अगर मैं किसी मोलर टूथ को ड्रॉ करूं, ओके तो ये एक जंक्शन बन जाता है जो पोर्शन आपका जॉ सॉकेट्स के अंदर जाता है. इस पोर्शन को हम रूट बोलते हैं. एंड जो पोर्शन एक्सपोज्ड है, जो हमें दिखता है मेनली, उस पोर्शन को हम क्राउन बोलते हैं. क्लियर? एटलीस्ट रूट एंड क्राउन तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. और जो जंक्शन है जो पोर्शन क्राउन एंड रूट को डिवाइड करता है, इस पोर्शन को नेक बोलते हैं. ओके तो दीज आर द थ्री स्ट्रक्चर्स ऑफ थ्री कंपोनेंट्स ऑफ टूथ, मेनली क्राउन, नेक एंड रूट. और अगर कवरिंग्स की बात करूं तो कवरिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल द आउटर मोस्ट कवरिंग इज इनामल. ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये इनामल पोर्शन है. देन इसके जस्ट बिलो, इनामल के जस्ट बिलो अगर आप देखो तो दिस वन इज डेंटिन पोर्शन. ओके ये डेंटिन पोर्शन होगा. एंड द थर्ड वन इज द पल्प पोर्शन. तो दिस वन इज द पल्प पोर्शन. तो रिमेंबर द आउटर वन इज इनामल, द हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है उसके जस्ट नीचे है डेंटिन. एंड द इनर मोस्ट पोर्शन, ये जो थर्ड पोर्शन है इट इज नोन एज पल्प. तो इनामल, डेंटिन एंड पल्प, दीज आर द कवरिंग्स ऑफ द टूथ पार्ट. अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपने टूथ का समझा है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी टीथ में जो बचा हुआ है, जो आपसे पूछ लिया जाता है इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, वो है डेंटल फॉर्मूला. तो हम लोग डेंटल फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं. डेंटल फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डेंटल फॉर्मूला पे
काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं अब तक बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो अब डेंटल फॉर्मूला हम लोग इजीली समझेंगे. द वेरी सिंपल बात है. ओके, सो डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, सी आपने पूरे सेट्स ऑफ टीथ को, ये जो आपका नेक का जंक्शन है, यहां से आप एक मिड लाइन ड्रॉ कर लो. मिड लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, आप एक राइट पोर्शन मानोगे, एक लेफ्ट पोर्शन मानोगे, जस्ट लाइक दैट, कि आप ये पूरा एक मिड लाइन ड्रॉ कर लोगे. ये आपका अपर केस हो जाएगा, अपर पोर्शन हो जाएगा, अपर जॉ हो जाएगा. ओके, और ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये लोअर जॉ हो जाएगा. ओके, अब देखो मिड लाइन से अगर आप ऑब्जर्व करो टुवर्ड्स द राइट साइड, तो टू इंसिजर्स, वन केनाइन, टू प्रीमोलर्स एंड थ्री मोलर्स. तो टू इंसिजर्स, वन केनाइन, टू प्रीमोलर एंड थ्री मोलर्स. सिमिलरली नीचे भी सेम चीज आएगी, टू वन टू थ्री फॉर द इंसिजर, केनाइन, थ्री मोलर्स एंड मोलर्स. टू वन, सॉरी, टू वन टू थ्री इंसिजर, केनाइन, थ्री मोलर एंड मोलर, एंड अगेन टू वन टू थ्री. मोस्टली जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम में, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आंसर्स आपकी बुक्स पे दिया होता है वो टू वन टू थ्री, टू वन टू थ्री दिया होता है, इंसिजर्स, केनाइन, थ्री मोलर एंड मोलर. बट इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन की तरफ पढ़ रहे हो. अगर आप इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो तो इट्स टू वन टू थ्री, बट आप इस डायरेक्शन में बढ़ोगे तो ये टू वन टू थ्री इस फॉर्म में जाएगा, टू वन टू थ्री. तो इसे कभी आप टू वन टू थ्री के फॉर्म में अगर आप लिखोगे टू वन टू थ्री, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो बेस्ट ये है कि आप चारों क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करके डेंटल फॉर्मूला को एक्सप्लेन करेंगे, तो जब तो फॉर्मूला आपको कभी नहीं भूलेगा. So this is about the entire teeth portion of human digestive system in the mouth part. A mouth में जो second important part है after teeth was teeth help in grinding, crushing the food and tongue it manipulates the food. ये food की mixing में help करता है क्योंकि tongue एक muscular organ है. So let's move on towards the tongue portion. After teeth, the second most important part is tongue. So why tongue is important? Because it's a muscular organ, so इसलिए इतना important तो नहीं है. It's a muscular part. It helps in mixing of food. क्योंकि tongue का आपको सिर्फ एक part बहुत अच्छे से याद रखना है for class 10th point of view, for the board exam point of view, वो है the location of taste buds or gustatory receptors. Suppose ये जो structure हम draw करके चल रहे हैं tongue का, okay? So there are four types of taste buds present in the tongue, which are known as gustatory receptors, okay? Gustatory receptors. Let's find out where these receptors are located. Okay, so these are the tip portion. ये जो पूरा portion आप देख रहे हो, okay? It detects the for taste. Okay, then ये जो anterior portion है, ये वाला जो पूरा portion है anterior part, ठीक, ये reason detect करता है स्वीट टेस्ट. ओके, एंड ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है, ये जो पोस्टीरियर पोर्शन है, यहां आपको डिटेक्ट होता है सॉल्टी टेस्ट. ओके, एंड द मोस्ट पोस्टीरियर, जहां पे टंग का बिल्कुल जंक्शन है,
इस पोर्शन को, ये जो जंक्शन है यहां पे आप प्रोटेक्ट करते हो बिटर पेस्ट। तो इट आइडेंटिफाइज बिटर टेस्ट। तो गस्ट्रेटेड रिसेप्टर्स मतलब द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बर्ड एट वेरियस लोकेशन। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज आपसे पूछी जाती है। नाउ वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और रिलेटेड टू टंग इज सलाइवा। ओके, तो व्हाई सलाइवा इज इंपॉर्टेंट ये तो आपको अच्छे से पता है। सलाइवा इज योर फर्स्ट डाइजेस्टिव फ्लूइड। व्हेन यू इनटेक द फूड, व्हेन यू इंजेस्ट द फूड, इट फर्स्टली मिक्सेस विद सलाइवा। ओके, तो इट्स द फर्स्ट डाइजेस्टिव फ्लूइड। ओके, एंड दैट फ्लूइड आल्सो कंटेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट है दैट एंजाइम इज एमाइलेज और टाइलिन। ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमाइलेज और टाइलिन? 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट मींस 30% ऑफ स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बिकॉज ऑफ एमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम एमाइलेज। तो 30% ऑफ स्टार्च गेट्स कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, बाय द एक्शन ऑफ एमाइलेज और टाइलिन। तो बाय द एक्शन ऑफ एमाइलेज और टाइलिन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सलाइवा। सलाइवा आल्सो फैसिलिटेट द इजीली मूवमेंट ऑफ द फूड व्हिच हेल्प्स इन व्हिच एक्ट एज ल्यूब्रिकेंट आल्सो। तो सलाइवा आल्सो एक्ट एज ल्यूब्रिकेंट। And one more important thing, saliva also consists of another very important enzyme, जिसको lysozyme के नाम से जाना जाता है। Lysozyme क्यों important है? क्योंकि ये antimicrobial है। Animals क्या करते हैं जब उनको कोई wound होता है, कोई जख्म होता है, तो they start licking their wound, अपने जख्म को चाटना start कर देते हैं, क्योंकि that saliva act as an antimicrobial or antiseptic component because of lysozyme. तो ये second important enzyme है, lysozyme, which is antimicrobial. तो it is antimicrobial. Okay? तो ये भी एक बहुत important function play करता है in your digestive system, in your elementary care. So after teeth and tongue, अगर आप teeth को cross करो, तो जो floor portion है, it is formed by tongue. So we have discussed the tongue portion. And the roof portion, mouth को open करने के बाद जो roof portion है, वहाँ आपको एक hardest bone दिखती है. बहुत hardest नहीं कह सकते, but एक hard bone दिखती है. Palatine bone, which forms the soft palate portion. Okay? The third portion is मैं पैलेट को भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि टेंथ में बहुत ज्यादा रोल पैलेट का मेंशन नहीं है. ओके, तो द फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ इज फॉर्म्ड बाय हार्ड पैलेट. And why it is known as hard palate? Because it is formed by palatine bone. यहाँ palatine bone है तो ये hard है. And just posterior to hard palate, there is a soft palate, which is also known as uvula. Okay? Because they are not supported by any bone. इसपे कोई bone नहीं, support नहीं है. Not supported by bone, that's why it is soft in nature, not supported by bone. So it is soft in nature. Clear? So this is a function of hard and soft palate. Hard palate ke anterior side pe, agar aapne tongue ko bilkul anterior leke aao,
तो वहां पे आपको रू के एरिया दिखता है. ओके, हार्ट पैलेट कंसिस्ट ऑफ रू के एरिया. एंड रुगे का फंक्शन क्या है? इट होल्ड्स द फूड फर्मली व्हाइल च्यूइंग. क्योंकि ये जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट होल्ड्स द फूड फर्मली व्हाइल च्यूइंग. क्लियर हुआ आपको? तो आफ्टर टीथ, टंग, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट वी हैव फिनिश्ड द माउथ पोर्शन. Let's move on towards the second component of alimentary canal, pharynx portion. So pharynx is a very important part. Pharynx में क्या है? आप देखो इस डायग्राम में ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये नोज की एंट्री है और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये माउथ की एंट्री है. ओके, और इन दोनों का एक कॉमन जंक्शन बन जाता है ये वाला पोर्शन, इसको फैरिंग्स बोलते हैं. तो फैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर. इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा. देखिए, जब आप फूड इंटेक करते हो एंड जैसे आप उसको स्वेलो कर लेते हो, निगलते हो, तो जो पोर्शन आपका सबसे पहला माउथ कैविटी के बाद, ओरल कैविटी के बाद आता है, उस पोर्शन को फैरिंग्स बोला जाता है. तो फैरिंग्स पे फूड एंटर करता है थ्रू द माउथ एंड इसी पोर्शन पे एयर भी एंटर करता है थ्रू द नोज. नोज के थ्रू भी आप एयर एंटर करते हो जब, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैसेज भी इसी तरफ से जाएगा तो वो भी फैरिंग्स पे आएगा. That's why कभी आपको nasal congestion है, nose अगर आपकी बंद है तो you start breathing from your mouth. आप mouth से breathe करना start करते हो क्योंकि air तब भी pharynx पे जाएगा. Pharynx में junction का काम करता है which divides into two, that is gullets and glottis. Gullets and glottis. Gullets leads into esophagus, यानी हम इसी पोर्शन की बात करेंगे esophagus, and glottis leads into trachea which is windpipe or respiratory system part. तो अभी इस पोर्शन को हम डिस्कस नहीं करेंगे. Pharynx का जो डिवीजन है it is divided into three important part. मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसको. फर्स्ट वन इज नेसोफैरिंक्स. नेसोफैरिंक्स मींस फ्रॉम नोज टू फैरिंक्स, यानी ये जो पैसेज आ रहा है फैरिंक्स तक, तो नोज टू फैरिंक्स इज नेसोफैरिंक्स. ओके, द सेकेंड वन इज ओरोफैरिंक्स. ओरोफैरिंक्स का मतलब क्या हुआ? ओरल कैविटी से फैरिंग्स. बस एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ओरल कैविटी जहां पे फिनिश्ड होती है, यानी जैसे फूड फैरिंग्स में एंटर करता है एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर है वहां पे जिसे ओरोफैरिंजियल इस्थमस बोला जाता है. ओरोफैरिंजियल इस्थमस बोला जाता है विच लीड्स इनटू द फैरिंग्स पार्ट. ओके, तो ओरल कैविटी लीड्स इनटू फैरिंग्स थ्रू द ओरोफैरिंजियल इस्थमस. ये भी चीज आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है. एंड द थर्ड पार्ट इज लैरिंजियोफैरिंक्स. द लोअर एंड इनटू लैरिंजियोफैरिंक्स इज अ लोअर एंड, ओके, व्हिच प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स द लैरिंक्स. प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स द लैरिंक्स. लैरिंक्स मींस व्हिच कंटेन्स वोकल कोर, जहां का वॉइस बॉक्स है, तो टुवर्ड्स द लैरिंक्स. सो दिस इज ऑल अबाउट फैरिंक्स पोर्शन. गुलेट्स एंड ग्लॉटिस. गुलेट्स लीड्स टू इसोफेगस, ग्लॉटिस लीड्स टू ट्रैकिया. ये फूड पाइप का पार्ट है, ये विंड पाइप का पार्ट है एंड फैरिंक्स कॉमन पैसेज है. तो एक रास्ता इसको नोज से फैरिंक्स तक लेके जाएगा, एक इसको ओरल कैविटी से फैरिंक्स तक लेके जाएगा एंड एक जहां को जंक्शन बन जाता है फूड एंड विंड पाइप का.
फैलिंग्स के बाद एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब आप देख रहे हो विच इज ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड दिस पोर्शन इज नोन एज ईसोफेगस. ईसोफेगस तो व्हाई ईसोफेगस इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. Why esophagus is important ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. Okay? So esophagus, the next component, it's the third component mouth and pharynx के बाद. Esophagus, तो it's a long muscular tube and muscle की एक property होती है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा. कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा. इट्स अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब एंड मसल्स क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एंड इस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब फूड को कंप्रेस करेगा ये ट्राइन में कन्वर्ट करने के लिए. एंड कोई एंजाइम यहां से रिलीज नहीं होगा कोई डाइजेस्टिव फ्लूड यहां से रिलीज नहीं होगा. तो जैसा फूड बोलस माउथ से स्टमक की तरफ मूव करेगा एज इट इज वो इसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचेगा. ओके तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मगर इस पूरे पोर्शन में इसोफेगस की लेंथ जानना भी इंपॉर्टेंट है विच इज ऑफ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. One important function performed by esophagus is peristaltic movement. Clear? मैं चल आपको और बता दूं कि ये जो esophagus का tubular structure है अगर इसका आप transverse section देखें तो transverse section में आपको दो चीजें दिखेंगी. एक इसका outer part जो कि longitudinal muscle से बना हुआ है. लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है यहां पे और एक इसका ये पोर्शन जो इनर पोर्शन है यहां पे इसको सर्कुलर मसल्स फॉर्म करती है. लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस. तो आफ्टर इसोफेगस द नेक्स्ट कंपोनेंट इज स्टमक. स्टमक इज ए जे शेप मस्कुलर सैक. ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मैं इसको यहां ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक. ये इसोफेगस है यहां पे. तो इट इज अ जे शेप ऑलमोस्ट जे शेप मस्कुलर सैक. ओके अब इंपॉर्टेंट क्या है इसोफेगस के लिए कि इसोफेगस में सॉरी स्टमक में जब इसोफेगस के थ्रू एंट्री होती है तो ये जो वाइटर पोर्शन आप देख रहे हो इसको बोलते हैं कार्डियक पोर्शन और जो रेस्ट पार्ट है इसको बोलते हैं फंडस पोर्शन एंड दिस वन इज द नैरो पार्ट नोन एज पाइलोरस. तो कार्डियक फंडस एंड पाइलोरस दीज आर द थ्री रीजंस ऑफ द स्टमक पोर्शन. नाउ इट इज जे शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर. ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं सैक लाइक लोकेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज राइट साइड पे लीवर प्रेजेंट है. ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये जो पोर्शन है ये लीवर का पोर्शन है. तो राइट साइड पे लीवर है तो लेफ्ट साइड पे स्टमक है. तो लोकेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लोकेशंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए.
And one more thing which is very important for the stomach portion. Stomach releases gastric juice, which includes very important digestive juice known as HCl, hydrochloric acid. मैं स्ट्रमक को कंटिन्यू कर रहा हूं विद द फंक्शन ऑफ HCl. दे रिलीज इज गैस्ट्रिक जूस ओके विच रिलीज विच कंटेन्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू एंजाइम्स इन इनएक्टिवेटेड फॉर्म. तो ये जो इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स हैं इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स इट इंक्लूड्स पेप्सिनोजन and prorenin and in dono ka activation HCl ki help se hi hota hai. For example, pepsinogen gets converted into pepsin with the help of HCl and prorenin gets converted into renin okay with the help of HCl. These two conversions or these two activations of enzymes are based on HCl. अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है रेनिन के लिए. रेनिन डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन केजिन. इट्स अ केजिन मिल्क प्रोटीन. इसे सिर्फ रेनिन डाइजेस्ट करता है. ये चीज भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है. Casein, it's a milk protein digested by renin. And pepsin breaks the protein into peptones. The pepsin breaks the proteins into peptones. The proteins breaks into peptones by the action of pepsin. Okay? So, इस session में मैं यहीं तक आपको cover करूंगा. Thank you. HCl also softens the food. It softens the food because it is highly acidic. So because of acidic nature, it softens the food. And it also kills microbes or the pathogens which enters through the food. Okay, so kills pathogens which enters through the food. Which enters through the food part. Yeah, this is the important role of stomach. Now, after stomach, the next portion is small intestine. The next portion is small intestine. Why small intestine is important? Because small intestine को site of complete digestion बोला जाता है. Small intestine, it is named as small, मतलब ये small होता नहीं है. In the entire length of 9 to 12 meters जो alimentary canal है, उसमें around 6 to 7 meters का small intestine है. Okay? और small intestine में important क्या है? सबसे important चीज ये है, it is longer in herbivores because of the digestion of cellulose. For digestion of cellulose, it is longer in herbivores. Okay, and it has three important regions. The first one is duodenum, second is jejunum, and the third one is ileum. So duodenum ko hi actually साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन माना जाता है. क्यों माना जाता है ये भी मैं आपको बहुत छोटे एग्जांपल से प्रूफ करूंगा. साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ओके क्योंकि ये जो आप डायग्राम देख रहे हो यहां पे ये जो एंटीरियर पोर्शन है ये ओके यहां से जो पोर्शन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे ड्यूओडेनम बोलते हैं. ड्यूओडेनम में एक्चुअली मेजर जो फंक्शन है वो ये है कि ड्यूओडेनम एक सी शेप का लूप बनाता है. सी शेप लूप और ये लूप रिसीव करता है हिपैटो पैनक्रियाटिक ट्रैक्ट को. सो इट रिसीव्स
हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट. नाउ व्हाट इज हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट? हेपेटो द डक्ट विच केम फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाटिक विच कम फ्रॉम पेनक्रियास. तो ये लीवर एंड पेनक्रियास का कॉमन डक्ट है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट विच एंटर्स एट द ड्यूडेनम पोर्शन. अब ये करता क्या है? बिकॉज पेनक्रियाटिक जूस एंड लीवर का जो सिक्रेशन है वो है बाइल जूस, दोनों ड्यूडेनम पोर्शन में एंटर होंगे. अब पेनक्रियाटिक जूस कंसिस्ट ऑफ पेनक्रियाटिक एमाइलेज, इसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स हैं पेनक्रियाटिक एमाइलेज, प्रोटीएसिस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक लाइपेज. तो ये कंप्लीट जो एंजाइम है विच बिलोंग्स टू हाइड्रोलिसिस वो सब कुछ प्रेजेंट है पेनक्रियाटिक जूस में. एंड लीवर के पास क्या है? बाइल जूस. एंड बाइल का फंक्शन क्या है? इट इमल्सिफाई फैट, फैट को ब्रेक करेगा, इमल्सिफाई फैट्स. तो ये पूरा का पूरा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो ड्यूडेनम पे कंप्लीट हो जाता है. ड्यूडेनम के बाद द सेकंड पोर्शन इज जेजुनम. एंड जेजुनम में भी एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि जेजुनम वो पोर्शन है जहां पे ड्यूडेनम और इलियम का कनेक्शन बन जाता है. तो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. सेकंड पोर्शन इज जेजुनम. Which connects the duodenum, which connects the duodenum with ileum, and ileum leads into the large intestine portion. Okay, ileum leads into cecum. Cecum is a portion of large intestine. Okay. Let's start with large intestine portion. Large intestine. So large intestine consists of three important parts: cecum, colon, and rectum. It's made two components so important like cecum, colon, and rectum. सीकम वो पोर्शन है जहां पे हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया इकोलाई हार्बर होता है. तो इट हार्बर्स द सिंबायोटिक ऑर्गेनिज्म, इट हार्बर द सिंबायोटिक ऑर्गेनिज्म एंड नंबर टू कोलोन इज डिवाइडेड इनटू असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसफर्स टू completely churn the food chyme and makes it into the chyme form. So it is divided into ascending colon, descending colon, and transverse colon and rectum. Rectum is a place where the entire fecal matter gets collected. So deposition of fecal matter, deposition of fecal matter, and the entire fecal matter gets ingested out by anus. So anus for evasion. This is all about the human alimentary canal, and I hope ये समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा. तो अगर आप ये content समझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं future में और videos ऐसे बनाऊँ, तो kindly like, share, subscribe my channel. Thank you.